ये है, ये है हमारा मैग्नेटोफोन। ये जो है पॉइंट टू पॉइंट टेलीकम्युनिकेशन के लिए, यानी पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के यूज करते हैं। पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन क्या होता है कि जैसे कि मान लो हमारा कोई ट्रेन जो है एक्सीडेंट हो गया है ट्रेन का, तो एक ट्रेन के टर्मिनल से दूसरी ट्रेन का जो एंड टाइम है, तो वहां तक हम केबल बिछा के इसको जो है यूज कर सकते हैं। इसलिए इसे हम पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, ये जो हत्ता है ये हमारा जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, जो कि 75 वोल्टेज 16.66 हर्ट्ज की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। और इसके अंदर दो सर्किट लगे होते हैं, एक स्पीच सर्किट होता है और एक रिंगर सर्किट होता है। जब हम इसको घुमाते हैं तो रिंगर सर्किट एक्टिव हो जाता है, और स्पीच सर्किट के लिए हम एक्सटर्नल सेल लगाते हैं जिसको 6i सेल बोलते हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसका रिव्यू दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.5 वोल्टेज एंड 45H इनकी एम्पियर आवर कैपेसिटी का ये सेल है, जो एम्पियर आवर कैपेसिटी का सेल है जो हम जो एसपी सर्किट के लिए लगाते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे कनेक्शन हम जो है अभी हमने ऐसी कर दी है, तो मैं आपको बताता हूँ कि रिंगर कैसे करते हैं। इसको घुमाइए थोड़ा सा, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे घुमाया है वैसे इधर रिंगर बोलने लगा है, ठीक है ना। और एक मिनट, अब मैं इसको बंद करता हूँ, इसको बंद कर दिया है। इसके बाद मैंने जो है इधर घुमाया ये वाला बोलने लगेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए हम यूज करते हैं, और ये सारे ट्रेनर्स बैठे हैं हमारे साथ के। तो यहाँ पर हमारी SNT की ट्रेनिंग हो रही है, और मैं आपका दोस्त अमन हूँ, और ये सारे लोग हमारे दोस्त लोग बैठे हैं यहाँ पर, जो टेली कम्युनिकेशन के लिए हमने यहाँ पर जो है मैग्नेटोफोन आपको आज बताया है। और ये है हमारा जो है हैंड जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी के साथ मैनुअली यूज होता है। तो ये आज का हमारा प्रैक्टिकल हमारे सर ने कराया है। तो चलो।